राधे दोस्तों दोस्तों अगर आपने बीएससी सेकंड ईयर का एग्जाम दिया हुआ है तो दोस्तों बीएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आज दोस्तों बीएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों कैसे आप अपना रिजल्ट घर बैठे, वो भी दोस्तों आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप दोस्तों अपना रिजल्ट घर बैठे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों कैसे हम अपना रिजल्ट निकालेंगे दोस्तों, तो इसके लिए जाएंगे हम अपने क्रोम ब्राउजर में। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सर्च करना है जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे जीवाजी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे सर्च ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों ये पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीवाजी यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है www.jeevaji.edu। अब इस पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हम इस पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देखिए हम दोस्तों ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे सामने ये विंडो खुलती जाएंगी। तो देखिए दोस्तों हमें इस विंडो में क्लिक करना है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज एग्जामिनेशन। तो दोस्तों हमें ये कॉलेज एग्जामिनेशन वाली इस विंडो पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हम इस पेज पे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेबस वगैरह आप सब देख सकते हो, लेकिन दोस्तों अभी हम अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो हमें रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिजल्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम इस पेज पे आ जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क, यानी कि आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये रिजल्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों हमारा ये पैनल खुल गया है। तो देखिए दोस्तों हम इस पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट ईयर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने एग्जाम कब दिया, जैसे हमारा रिजल्ट आया हुआ है 2021, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी कौन सी साल चल रही है, 2021। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो हमारा रिजल्ट टाइप क्या है। देखिए दोस्तों अगर आप नॉन CBCS हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे, या CBCS हैं तो इस पर क्लिक करोगे। देखिए दोस्तों मैं नॉन CBCS पे क्लिक करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट UG PG या अदर कोर्स, यानी कि आपका कोर्स क्या है, यानी कि आपने मतलब सेमेस्टर वाइज दिया है या डिप्लोमा वगैरह कैसे किया है। तो हमारा दोस्तों एनुअल है, यानी कि हमारा जो सेकंड ईयर का जो एग्जाम आया है, सॉरी हमारा दोस्तों जो सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आया हुआ है वो एनुअल, हमारी परीक्षा एनुअल हो रही है BSC की, तो हमने एनुअल पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप यानी क्लास टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने किस ईयर का आप रिजल्ट देख रहे हो, तो दोस्तों सेकंड ईयर का, तो हम ईयर सेकंड क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्लास फॉर रिजल्ट, यानी इस पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों ये सभी जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं वो खुल के आ जाएगा, यानी BA सेकंड ईयर, BA सेकंड ईयर सप्लीमेंट्री वगैरह। तो जो भी दोस्तों हमें अपने BSC सेकंड ईयर का रिजल्ट देखना है, तो हम नीचे देखिए दोस्तों आपको देख रहा होगा BSC सेकंड ईयर एग्जाम मार्च 2021, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये प्रोसीड टू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगी। देखिए दोस्तों ये विंडो खुल चुकी है। अब दोस्तों अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर से भी निकाल सकते हो, और अदरवाइज आप दोस्तों बाई नेम, यानी कि आप नेम और फादर नेम के नेम से भी, अगर दोस्तों आप अपने नेम और फादर नाम से भी निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूंगा। तो देखिए दोस्तों मैंने अपना रोल नंबर डाल लिया है। देखिए दोस्तों ये पजल टाइप का एक रोबोटिक कोड रहता है दोस्तों, ये हमको फिल करना रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप माइनस में भी आ सकता है, भाग में भी आ सकता है, इंटू में भी आ सकता है, कुछ ऐसे मतलब एक नॉर्मल सा आपको एक पजल टाइप का शो हुआ जैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको शो रहा है 64 प्लस 9, यानी दोस्तों ये सिंपल आपको जोड़ना है, इसका जो जितना भी जोड़ आएगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो दोस्तों 64 और 9 आप जोड़ोगे तो कितना होता है। देखिए दोस्तों हम 64 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 73। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल 73 डाल देंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये रिजल्ट खुल के आ गया। देखिए दोस्तों ये हमारा रिजल्ट खुल चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।